Hey guys, what's up? Welcome back to a new video and this is Gabby Fellow. और फिलहाल यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ WhatsApp के काफी हॉट फीचर्स के बारे में। रिसेंटली WhatsApp ने काफी चीज अपडेट की और यहाँ पे दो हॉट फीचर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है डिसअपीयरिंग मैसेजेस, दूसरा है कस्टम वॉलपेपर। इनेबल किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर चेकआउट दिस वीडियो। वेल सर, दो हॉट फीचर्स की बात करें तो उसमें से एक है डिसअपीयरिंग मैसेजेस इन WhatsApp। तो सबसे पहले WhatsApp खोल लेते हैं, फिर उसके बाद जिस भी चैट के साथ आपको डिसअपीयरिंग मैसेजेस लगाने हैं, एज इन की आप चाहते हो कि कुछ टाइम बाद वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए वहां से, तो फिर ये ऑप्शन आप काम में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चैट को खोलता हूं और यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे ऊपर जाके हेडर में क्लिक करना है। हेडर पर क्लिक करने के बाद यहां पे फर्दर ऑप्शन आते हैं, मीडिया लिंक्स, म्यूट नोटिफिकेशन, कस्टम नोटिफिकेशन, मीडिया विजिबिलिटी एंड डिसअपीयरिंग मैसेजेस। यहां पे आप देखो ये ऑफ हो रखा है, तो सबसे पहले हम इसको क्लिक कर लेते हैं और यहां पे नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके बारे में बताता है कि भाई जो मैसेज है वो डिसअपीयर हो जाएंगे 7 दिन के बाद। यहां पे कोई भी कमिटमेंट नहीं देता इन्होंने, मतलब पहले क्लियर कर दिया इस चीज को, यहाँ पे कोई भी कमिटमेंट नहीं है कि अगर बंदा उसका स्क्रीनशॉट ले ले या फोटो खींच ले आपके मैसेजेस की तो भाई वहां पे वो डिसअपीयर नहीं हो सकते। बस इसको हम करते हैं कंटिन्यू ऑन करते हैं। उसके बाद मैसेजेस का ये कॉलम आता है, ये सिंपली ये कहना चाह रहा है कि 7 दिन बाद मैसेज गायब हो जाएंगे, लेकिन जो भी रिसिपिएंट है, जो भी मैसेज रिसीव कर रहे हैं, वो इसको सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं और इन सारे तरीकों से वो मैसेजेस को सेव किया जा सकता है। तो वेल यहाँ पे ऑफ है, इसको हम कर लेते हैं ऑन। अब अगर मैं सेटिंग्स में देखता हूँ तो यहाँ पे देखो आप डिसअपीयरिंग मैसेजेस ऑन हो चुके हैं। फाइनली अब यहाँ पे जाके मैं कुछ भी टाइप करता हूँ हेलो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो दिस मैसेज विल डिसअपीयर आफ्टर 7 days। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाता है, यू टर्न ऑन डिसअपीयरिंग मैसेजेस, तो 7 दिन बाद डिलीट हो जाएगा मैसेज। और जहाँ पे मैंने मैसेज को भेजा है वहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमने खोल लिया आईफोन, यहाँ पे व्हाट्सएप खोल लेते हैं, यहाँ पर सी डिसअपीयरिंग मैसेजेस वर टर्न ऑन, तो यहाँ पे ये बता रहा है। और यहाँ पे हमने जैसे ही देखा तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ गया है ऊपर कि ये जो मैसेज है ये डिसअपीयरिंग मैसेज है और 7 दिन बाद गायब हो जाएगा। और इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पे फोटो के पास भी तो यहाँ पे एक टाइमर सा आइकन बना हुआ है जो कि बेसिकली ये दिखाना चाह रहा है कि डिसअपीयरिंग मैसेज की कैटेगरी में आ चुका है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई कोई मैसेज आपका गायब होने वाला है और अगर आप उसको सेव करना चाहते हो तो दिस इज द वे, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी और को फॉरवर्ड कर लो या गैलरी में सेव कर लो, बाकी सारी चीजें डन। दूसरी हॉट फीचर की बात करें तो वो भी व्हाट्सएप के अंदर ही है, दैट इज द कस्टम वॉलपेपर। उसमें क्या बेसिकली पहले जो आपके वॉलपेपर की सेटिंग्स थी वो सबके लिए सेम थी, मतलब जितने भी चैट है अलग अलग सबके लिए वॉलपेपर आपके सेम रहने वाले थे, और जो कि यहाँ से एक्टिवेट होता था चैट वॉलपेपर में जाके यहाँ पे चूज अ न्यू वॉलपेपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉलपेपर्स के कलेक्शन काफी ज्यादा आ चुके हैं और इसके साथ ही डार्क मोड भी है, सॉलिड कलर भी है, ब्राइट कलर्स भी है और इनफैक्ट आपकी गैलरी के फोटोज भी हैं। अगर आप कस्टम वॉलपेपर चाहते हो तो उसका ये तरीका है कि भाई आपको किसी भी चैट में जाना है, फॉर एग्जांपल हम उसी चैट में जाते हैं जिसको हमने टेस्ट किया, यहाँ पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ हेडर में और यहाँ पे देखो आप वॉलपेपर एंड साउंड का ऑप्शन आ रहा है, दैट मींस ये यहाँ पे कस्टम होगा। तो अलग चैट के लिए अलग वॉलपेपर चाहिए आपको, मतलब बिजनेस प्रोफाइल है तो बिजनेस टाइप वॉलपेपर लगा लो, अगर गर्लफ्रेंड वाला प्रोफाइल है तो फिर यू नो गर्लफ्रेंड वाला लगा लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन है, लेट्स से मैं गैलरी से कोई पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड हियर वी गो, तो ये सिलेक्ट करते हैं, इसको सेट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैट के जो बैकग्राउंड है वहाँ पे ये वाली फोटो आ चुकी है और बाकी चैट में अगर आप जाके देखोगे तो अलग अलग वॉलपेपर है, मतलब सबके अलग अलग हैं। दैट मीन्स कि आप कस्टम वॉलपेपर हर अलग अलग चैट के लिए अलग अलग वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये तो दो फीचर जो व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली ऐड किए हैं और कैसा लगा आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं, अगर हम आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।